सो हे एवरी वन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सभी आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट तो आज का जो ट्रीटमेंट है वो स्पेशली स्किन टाइटनिंग के लिए है एज यू नो इस बढ़ती उम्र के कारण और स्किन की केयर ना करने से हमारी स्किन ढीले होने लगती है लूज हो जाती है या स्किन में सैगिंग आ जाती है जिससे हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डल और ओल्ड दिखने लगती है जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर रिंकल्स फाइन लाइन जैसी समस्या भी होने लगती है तो फ्रेंड्स इन सब प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक ऐसा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जिसकी हेल्प से आपकी स्किन टाइट होगी आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स ब्लैमिश की समस्या है तो वो ठीक होगी रिंकल्स फाइन फाइनलाइंस भी दूर होंगी आज के इस ट्रीटमेंट से तो आज के इस नेचुरल ट्रीटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए आपको ज़रूरत है दो चम्मच के करीब कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल अगर आपको कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल ओल, यानी कि जैतून का तेल या आमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल ले सकते हैं कोकोनट ऑयल के बारे में तो मोस्टली लोग जानते होंगे कि कोकोनट ऑयल स्किन को नेचुरली हाइड्रेट करता है जिसके रिजल्ट में हमारी स्किन पर रिंकल्स नहीं आती हैं हमारी त्वचा ढीली नहीं पड़ती है सेकेंड चीज़ जो कि हमको इसमें ऐड करना है वो है दो चम्मच के करीब एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए कई प्रकार से बेनिफिशियल होता है इस सन की यूवी रेस से डैमेज हुई स्किन को रिपेयर करता है हमारी स्किन को टाइटन अप करता है पिगमेंटेशन यानी कि झाइयाँ दाग धब्बों को भी ठीक करता है इस प्रकार से एलोवेरा जेल हमारी स्किन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता है फ्रेंड्स थर्ड चीज़ जो आपको इसमें ऐड करना है वो है वाइटामिनी कैप्सूल इसको आप पोक करके इसका ऑयल इसमें ऐड कर दें अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप इसमें दो वाइटामिनी कैप्सूल ऐड कर सकते हैं लेट मी टेल यू फ्रेंड्स वाइटमिन एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि स्किन में अगर इन्फ्लामेशन है तो उसे दूर करता है स्किन को नेचुरली नरिश करता है स्किन को ग्लोइंग रेडियंट और यंगर बनाता है अब आप इन तीनों ही इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए फ्रेंड्स ये तीनों ही इंग्रेडिएंट कोकोनट ऑयल एलोवेरा जेल एंड वाइटमिन ई स्किन टाइटनिंग और स्पॉटलेस स्किन के लिए प्रोमिनेंट है तो आप इन तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को स्किप ना करें आप देख सकते हैं ये जो हमारा ट्रीटमेंट है वो एकदम क्रीमी टेक्सचर में या सिरम बेस्ड में नज़र आ रहा है तो चलिए अब मैं आपको बता दूँ कि इसे अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड्स इसे अप्लाई करने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लें फ्रेंड्स मेक श्योर कर लें कि आपके चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए देन आप इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करें अप्लाई करने के लिए एक चम्मच इस ट्रीटमेंट को लेकर अपने दोनों हैंड्स में रब करें सो so दैट ये वूम हो जाए देन प्रेसिंग करते हुए अपने पूरे फेस पर अप्लाई करें फ्रेंड्स आप इस तरीके से अप्लाई कीजिए जिस तरीके से हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं ओनली सेवन डेज में आप खुद देखेंगे इसका रिजल्ट आपकी जितनी भी लूज स्किन होगी सैगिंग स्किन होगी वो टाइट होगी आपके चेहरे पर जितने भी पिगमेंटेशन की समस्या है झाइयों की समस्या है डार्क स्पॉट्स की समस्या है तो वो दूर होगी डार्क सर्कल से तो वो भी दूर हो जाएंगे आज के ट्रीटमेंट से इसे अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद आप लिफ्टिंग वे में मसाज कीजिए मैं यहाँ पर आपको कुछ फेस लिफ्टिंग एंटी एजिंग मसाज भी शेयर कर रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप ओनली वन वीक में अपनी स्किन को टाइटन कर सकते हैं जैसे जैसे मैं मसाज कर रहा हूँ आपको भी अपने फेस पर सेम फॉलो करना है जो जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ उन्हें आपको एटलीस्ट फाइव टू तो टेन टाइम्स करना है जहाँ जहाँ फ्रेंड्स हमें फाइन लाइन रिंकल्स आती हैं वहाँ वहाँ आपको इन मसाज स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना है ज़्यादा ध्यान देना है फ्रेंड्स आप इस ट्रीटमेंट को डेली नाइट में सोने से पहले अप्लाई करें देन इन मसाज स्टेप्स को फॉलो करें उसके बाद आप सो जाएं अगर आप नहीं चाहते हैं कि इस ट्रीटमेंट को अपने फेस पर ओवरनाइट छोड़ना तो आप रात को ही मसाज करने के बाद अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लें ध्यान रहे कि फेस को धोते वक्त किसी भी क्लिनजर या फेस वॉश का यूज़ नहीं करना है इफ़ इन केस अगर आप ऐसा करते हैं तो क्लिंजर से ट्रीटमेंट के सारे बेनिफिट्स रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन को इस वजह से कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा तो इस बात का आप ध्यान रखें एक बात और फ्रेंड्स इन सभी मसाज टिप्स को हल्के हल्के हाथों से धीरे दे धीरे ही करना है बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं करना है तो इस बात का भी आप ध्यान रखें ओके फ्रेंड्स अगेन मैं आपको इन तीनों ही इंग्रेडिएंट्स के बारे में शॉर्टली बता दूं कि कोकोनट ऑयल में विटामिन ए होता है जो कोलाजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है इस प्रकार से ये हमारी स्किन को रिंकल फ्री करता है इसके अलावा एलोवेरा जेल में मैलिक एसिड होता है जो स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है जिससे हमारी जो स्किन है वो फर्म एंड टाइटन होती है और विटामिन ई e में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को सही करने में मदद करते हैं आपकी ड्राई स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज कर स्किन को हेल्दी बनाते हैं तो गाइज इस ट्रीटमेंट को डेली नाइट में या अपने कंफर्टेबल जोन में अप्लाई करने के बाद जो मसाज स्टेप्स मैंने आप लोग शेयर की हैं उन्हें आप ज़रूर फॉलो कीजिए इस तरीके को फॉलो करने से आपकी स्किन टाइट होगी आपकी स्किन से दाग धब्बे छाइयाँ डार्क सर्कल्स दूर होकर आपकी स्किन हो जाएगी एकदम क्लीन क्लियर हेल्दी एंड स्पॉटलेस तो गाइस ये था आज का हमारा इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव ट्रीटमेंट के साथ तब तक लिटिल देन टेक केयर ऑफ यू लवली सेल्फ बाय बाय